winters, दार्जिलिंग का फेमस रेस्टोरेंट और ये बहुत दिनों का है और यहाँ पे शायद बर्फी का शूटिंग भी हुआ था। देखिए पीछे जो घड़ी है वो दिखाई दे रहा है, ये घड़ी मेरा फैमिली का कहना है कि ये सेफ था जो पहले प्रपोज कर रहा था इलीना डी क्रूज, रणबीर कपूर इलीना डी क्रूज को। देखिए ये है इस घड़ी और यहाँ का जो सीट है, मैं हम लोग वो तो वेट करने के बाद हम लोगों को मिला और फैमिली और बहुत ही फेमस है, हम लोग उत्सुक रहता है और यहाँ से व्यू भी बहुत अच्छा होता है। तो हम लोग यहाँ पर आते ही सिर्फ एंटर्स में ब्रेकफास्ट लंच या डिनर बहुत ही फेमस है, स्पेशली पॉप का आइटम। यहाँ पे मेरा बेटा कोशिश कर रहा है अच्छा व्यू पाने की। ये दार्जिलिंग का रास्ते और मार्केट प्लेस, यहाँ पे बर्फी का शूटिंग हुआ था ठीक ऐसे जगह पे। और पीछे जो घड़ी मैंने कुछ देर पहले दिखाया था आपको, वो वाला घड़ी के सामने रणबीर कपूर ने इलीना डी क्रूज को प्रपोज किया था। तो ये जगह बहुत ही फेमस है, यहाँ पर उस शूटिंग का कुछ क्लिपिंग्स भी रखा गया है, तो वो भी मैं बाद में दिखाऊंगी। ये है केविन टर्स की कुछ मेनू चार्ट, किस चीज़ का कितना प्राइस टैग है, बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा दाम भी नहीं है, बहुत ज़्यादा हाई प्राइस नहीं है, अफोर्डेबल है और बहुत ही ठंडे में, मतलब अभी जो सुबह चल रहा है 5-6 वो 7-8 होता है। यहाँ पे सॉसेज सलामी हैम इस टाइप का चीज़ का बहुत ही अच्छे प्रिपरेशन मिलता है और सभी ये सब डिश जो है यहाँ पर मिलता है और खाने में बहुत ही मज़ा आता है। थोड़ा मीठा मीठा धूप में ओपन टेरेस में बैठ के खाने में बहुत ही मज़ा। केविन टर्स से खाना आ गया है, ये है चिकन सॉसेज, चिकन सलामी एंड ऑमलेट और वहाँ पे है ये पॉक सॉसेज। বাবা একটু বোতলটা সরাও না। ये
ये है, ये सब फेमस आदमी सत्यजीत राय जो ऑस्कर मिला था उनको बेंगोलीज मूवीज़ के लिए। ये है बर्फी का शूटिंग हुआ था, एलिना डिक्रूज रणवीर कपूर का कुछ पोर्ट्रेट यहाँ पे रखा गया है और मेमोरीज के तौर पे। और देखिए यहाँ पे शूटिंग हुआ था। और ये है दार्जिलिंग का टॉय ट्रेन का बहुत ही फेमस पीपल यहाँ पे आया था। देखिए कौन सा साल में कौन आया था, ये सब भी यहाँ पे रखा गया है पोर्ट्रेट और पिक्चर। सो ये बहुत ही फेमस जगह है और बहुत ही नॉस्टैल्जिक टाइप का जगह है। सो हम लोग कुछ पिक्चर खींचा यहाँ पर, शूटिंग करा था, सेगुलो छवि दिए थे, फ्रेम करे रखे। महल की अराउंड बहुत सारे शॉप्स है, यानी कि यहाँ का जो लोकल सुविनियर है, पत्थर का चीज़, पत्थर का अंगूठी, बहुत सारे चीज़ यहाँ पे मिलते हैं। इसकी अलावा बुद्धा की मूर्ति, मतलब तरह तरह की मूर्ति, स्टैचू सब मिल जाता है यहाँ पर। पेपर मैश का मास्क मिल जाता है, बहुत एंटीक चीज़ भी मिल जाता है यहाँ पे। एक स्टेज तैयार हो रहा है
यानी कि यहाँ का सीएम अभी आएगा तो कुछ मीटिंग वगैरह होगा, तो इसके लिए ये अप स्टेज हो रहा है। देखिए स्टेज के पीछे छोटा सा एक छोटा सा हिल है, वहाँ पर एक ओपन गैलरी किया गया है और यहाँ पे सब बैठने की जगह किया गया है। सभी मतलब लोकल और टूरिस्ट सभी यहाँ पर आके धूप में थोड़ा धूप का थोड़ा आनंद लेता है। और यहाँ पे सीसीडी है, कुछ रेस्टोरा है और ज़्यादा यहाँ पे रेस्टोरा बैठने की नहीं दिया है। और उधर एक घोड़े की जो रहता है वहाँ पर वो भी है, मतलब पहले से बहुत ही साफ सुथरा है। तो देखिए सभी सिर्फ टूरिस्ट लोग नहीं है, लोकल जो है कुछ स्टूडेंट्स आते हैं जो पीपल, क्योंकि हिल स्टेशन में ज़्यादा भीड़ ज़्यादा लोगों का बहुत क्राउड नहीं होता है, सभी ढीले तरीके से चलता है। इन लोगों का लाइफ बहुत ही सिंपल है और बहुत ही ये लोग सिंपल हैं। तो जितने बार मैंने यहाँ पर आई हूँ बहुत ही अच्छा लगा, सिंपल यहाँ का लाइफ स्टाइल, यहाँ का जो आप दौड़ रहा है आपकी ज़िंदगी में, इतना दौड़ा भागदौड़ी में अगर आप चाहते हो यहाँ पर थोड़ा सुकून मिलता है आपको, बहुत ही स्लो मोशन में जाता है, लगता है कि आप अपना फर्स्ट लाइफ से थोड़ा सा ढीले स्लो मोशन में चले आए हो। तो यहाँ पे कुछ दिनों के लिए आप आराम करने के लिए आ सकते हो। चलिए बाकी जगह आपके साथ शेयर करती हूँ मैं। जा रहा है महल के पीछे की तरफ, आपको जो इतने देर तक दिखाया वो है सामने की, और जो मेरा राइट हैंड में है छोटा सा हिल, यहाँ पर दो चार एक मंदिर है और दो चार होटल्स भी है। और इस साइड से हम जा रहे हैं बैक मेल में, यहाँ पे
आई लव दार्जिलिंग यहाँ पे लिखा गया है। ये नया नया बनाया है, यहाँ पे थोड़ा फोटोशूट कर रही हूँ हम लोग। और यहाँ पे एक कॉलेज है, फेमस कॉलेज, बहुत ही पुराना। उसके बाद यहाँ का चर्च है, बहुत ही पुराना चर्च और बड़ा सा चर्च है, बहुत फेमस। ये सब बहुत फेमस और ये सब देखकर एक नॉस्टैल्जिक टाइप का फीलिंग्स आता है। और ये है एक जैसे कि यहाँ का कोई नाट्यशाला हो सकता है, नया नया बनाया गया है। बहुत सारी चीज़ यहाँ पे नया नया बनाया गया है, मतलब बहुत इम्प्रूवमेंट हो रहा है पहले से। ये है राजभवन दार्जिलिंग का और ये है बैक मॉल। ফরেস্টে বৃষ্টি নামতে পারে। ये है थुक्पा, यहाँ का लोकल फूड। और ये चाउमीन, बॉयल चाउमीन विथ चिकन एंड वेजिटेबल्स, ऐसा टाइप का होता है, सूप टाइप का। और ये ठंडे में बहुत अच्छा। सो हम लोग आ गए हैं अभी ग्रीनरीज में। ये भी बहुत ही पुराना एक रेस्टोरेंट है और बहुत ही बड़ा और फेमस है। और ये थोड़ा एक्सपेंसिव है। सो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं थोड़ा लंच करने के लिए। और यहाँ पे मैंने थोड़ा शूट कर लिया आपके लिए, आप सभी के लिए, कि यहाँ का एटमोसफियर कैसा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा जैसे कि फॉरेनर लोग भी आ जाते हैं यहाँ पे खाने के लिए। और ये है यहाँ का व्यू, अंदर का व्यू और बाहर का व्यू, बहुत अच्छा लगता है धूप में। सो मैं यहाँ पर एंड करती हुई वीडियो को। आई होप आप सभी लोग ये वीडियो एंजॉय कर रहे हो। सो मुलाकात होते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, और वो भी यहाँ ट्रैवल ब्लॉग होगा, और दो ट्रैवल ब्लॉग मैं डालूंगी। सो टाटा, गुड बाय, गुड डे, और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। सो बाय।